हाथ में बिल्कुल सुन्न पड़ गए हैं। अब मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है यार। आधी बाइक डूब गई है गाइस, ये देख रहे हो। सो हम ना कश्मीर में आ चुके हैं यार, फाइनली अपने कश्मीर आ चुके हैं यार। सो हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, सब मजे में होंगे। सो गाइस, नए व्लॉग की शुरुआत हो चुके हैं। शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 5 बजे एंड साथ में मुबशर भाई। तो 5 बजे इसलिए हो रही है क्योंकि आज हम कश्मीर जा रहे हैं यार। इधर ना तबीयत ठीक नहीं हो रही है एंड मैंने आपको बोला था, घर वालों की भी याद आ रही है, तो सोचा कुछ दिन के लिए चले जाते हैं, उसके बाद जैसी तबीयत भी ठीक होगी उसके बाद वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी मॉर्निंग के 5 बजे, तो पहले चाय वगैरह पीते हैं एंड देन मिलते हैं आगे, बाकी बातें ना मोटो व्लॉग के सेटअप पे करते हैं। सो फाइनली गाइस, निकल चुके हैं मुबशर भाई और मैं द्रास से। तो यार इधर ना हम दोनों की तबीयत खराब हो चुकी है यार, इसको तो वैसे भी जाना था, मेरी ना तबीयत ही ठीक नहीं हो रही थी। सो उस वजह से हम आज निकल चुके हैं कश्मीर की ओर। तो घर की भी बहुत याद आ रही थी यार, कसम से। सो अभी ना मैंने ये वाले ग्लोव्स पहन लिए, पहले तो मैंने KTM के चेक करे थे लेकिन उनमें ठंड लग रही है, फिर मैंने यही पहन लिया। सो चलो अभी यार जल्दी जल्दी पहुंचते हैं, आज ड्राई डे है यार, क्या पता छोड़ेंगे कि नहीं। आज हम करने वाले हैं द्रास की इन प्यारी सी वादियों को टाटा बाई बाई। वैसे तो मैं फिर से आ रहा हूँ कुछ दिन बाद, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो पहले देखेंगे तबीयत कब तक ठीक होगी, उसके बाद ही आएंगे यार, क्योंकि तबीयत इधर मेरी ठीक नहीं थी यार। इन ग्लोव्स में भी ना ठंड लग रही है, मेरे को लगता है मेरे को दो दो पहन लेने चाहिए यार, लेकिन फिर ग्रिप नहीं बनेगी अच्छी यार, वो भी दिक्कत है। ये देखो गाइस, पहले रुक के हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ ना बिल्कुल सुन्न हो गए यार, कसम से गाइस, यार कसम से दो दो ग्लोव्स पहन के ना हाथों की हालत खराब हो रही है कसम से। मतलब इतनी ज्यादा ठंड है द्रास में यार, मैं आपको बोल रहा था ना, ये वर्ल्ड सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस है यार। भाई भाई चेक करो, बर्फ पहाड़ सब कुछ देख लो, कुछ दिन इन चीजों को भी शायद से आप मिस करो यार, क्या कह सकते हैं, ठीक है। हाथ ना बिल्कुल सुन्न पड़ गए हैं, फिलहाल तो हम पैर पैर से ही चल रहे हैं यार, क्योंकि हाथ ना अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो भगा के रिस्क नहीं लेंगे। सोहन जी, अभी हम पहुंच चुके हैं पान द्रास की खूबसूरत सी जगह पे, ठीक है। MD ना एक्चुअली यहीं से है, मेन द्रास से नहीं है वो पान द्रास से, ठीक है। अब मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है यार, कसम से मन कर रहा है यहीं पे रुक के पहले मैं हाथ गर्म करूं, लेकिन क्या करूं, कर भी नहीं सकता यार। ओ भाई 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 यार, हम कब पहुंचेंगे यार मटायन यार, कसम से मेरी तो हालत खराब हो गई यार। मैं सो गाइस, ये ना वो वाला रूट है जहां पे मैंने ड्यूक की टॉप एंड मारी थी। सो आज ना चला नहीं जा रहा, फिर भी देखते हैं कितनी भागती है। भाई यार हिम्मत ही नहीं है, कसम से हिम्मत ही नहीं है, हाथ सुन पड़ गए, हाथ सुन पड़ गए, मेरे को रोने का मन कर रहा है। वो देखो कितनी लंबी लाइन है ट्रैफिक की यार, मेरे को नहीं लगता आज छोड़ रहे हैं, ठीक है। सो तभी इतनी लंबी लाइन लगी है, यहाँ तक लाइन है यार, मतलब अभी हालत टाइट होने वाली है ट्रैफिक में भी, हाथों में बिल्कुल नहीं हिम्मत बची। अरे यार थैंक यू सो मच अंकल, बस बस थैंक यू अंकल। मैं भी चलता हूँ थोड़ा प्यार प्यार से। चल चल तू तू बस जगह देख जगह। ओ फाइनली गाइस, चेक मारो गाइस, ये नजारे चेक करो, बर्फ ही बर्फ यार। अभी ना बस मैंने यार ग्लोव्स वगैरह भी एक ही पहना अभी, क्योंकि बस अभी जल्दी जल्दी निकलना है। चलो शुक्र अल्लाह का कि छोड़ दिया यार, अब दिक्कत नहीं है। अब कुछ ही गाड़ियां, मतलब 8-10 गाड़ियां आ गए हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 20 गाड़ियां होंगी एंड वो भी ज्यादा बड़ी गाड़ियां नहीं है। लो जी लग गए अपने पानी पानी है यार, क्रॉसिंग्स बड़ी खतरनाक है इधर, जूतों में एक बार पानी चला गया ना फिर तो समझो लग ही गए। एशिया की ना सबसे बड़ी टनल है, ठीक है। चलो चलो, अरे 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 अरे,
यार बड़ा फद्दू आदमी है यार, बाइकर्स को उड़ा दिया था इसने। गाड़ी को गड्ढे में जाने नहीं देंगे लेकिन बंदे को उड़ा देंगे। मैंने ना अभी पैर फ्रेम स्लाइडर्स पे रख दिया। तेरे नहीं आएंगे गीले ब्रो, तेरे नहीं आएंगे, तेरे ऊपर है फिर भी। वो ये क्या था? बहुत गंदा वाला टायर स्किट कर गया गाइस। यहाँ से ना बंदे की हालत खराब हो जाती है, धूल देख रहे हो कितनी ज्यादा है भाई। परसों ये मेरे को इतना ये सब ना दिखा नहीं था, कसम से याद नहीं है मेरे को, ठीक है। लेकिन आज फिर से उसके बाद स्नोफॉल हुई थी, द्रास में हुई थी तो यहाँ से भी बहुत ज्यादा हुई थी। सो चेक मारो कितनी ज्यादा स्नो है अभी इधर से। अब ना यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड लग रही है। ये है गाड़ी भाई इन जगहों के लिए, ठीक है। ये गाड़ी जो है ना इन्हीं जगहों के लिए है। जिप्सी में 4x4 लगाओ भगाओ भाई, मजे ही मजे है कसम से। जो मजा जिप्सी में है ना ये खासकर इन जगहों पे, वो कहीं पे नहीं मिलेगा यार। लग गए थे यार, देख रहे हो क्या हो रहा है गाइज। मेरे हिसाब से ना शूज गीले हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि पैरों में बड़ी खतरनाक ठंड सी मेरे को महसूस हो रही है। सो गाइज बहुत जगह पे ना कोहरा भी लगा हुआ है नीचे, आइस। ये देखो लग गए। नाम लिया तो वहीं पे हाजिर हो जाती है ये चीजें। जो मतलब जो आया था ना मैं तब फिर भी रोड ठीक था, आज उससे खतरनाक है क्योंकि रिसेंटली बर्फबारी हुई है यार। अभी तो जोजला भी हम नहीं पहुंचे यार, बहुत दूर है। ओहो, अब यहाँ से गाड़ियां आगे जाएंगी, वो देखो उधर से कितना ज्यादा कोहरा है। ओहो, भाई कोहरा ही कोहरा है यार इधर से तो। तो यहाँ से चेक करो, यहाँ से ना टाइल्स डाल रखी है रोड पे, मतलब इन्हीं का रोड बनाया हुआ है, ठीक है। अरे अरे भाई आराम से चल ले। बच गए। ओ शिट, MD पकड़, आप अच्छे से पकड़, इधर से कोहरा बहुत है भाई, कोहरा देख रहे हो। ओहो, स्किट कर गई। क्या यार, ओहो, आधी बाइक डूब गई है गाइस, ये देख रहे हो, आधी बाइक ना पानी में थी कसम से। चेक करो गाइस बर्फ, ये देखो कितनी ऊंची है यार, कितनी ऊंची है। सो हियर इज अवर जोजला गाइस, जहां से होता है जोजला स्टार्ट, ठीक है। एक है नीचे वाला रूट, एक है ऊपर वाला रूट। नीचे वाला रूट ना अभी बंद ही है क्योंकि वो कंजस्टेड है एंड उसमें अभी बर्फ है बहुत ज्यादा। सो ये ना नीचे वाले रूट से ना जल्दी पहुंच जाता है बंदा, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है यार ये वाला। देखो जोजला गाइस, चेक करो जोजला, चेक मारो यार भाई। जितना हम नीचे आ रहे हैं ग्रीनरी दिखनी स्टार्ट हो रही है, मजा आ रहा है यार, और ठंड भी बहुत कम हो रही है, ठीक है। सो गाइस बाल तल दिखना स्टार्ट हो चुका है, वो देखो नीचे ना बाल तल है अपने, जल्दी जल्दी पहुंचते हैं यार। ये जो जगह है ना इसको कहते हैं बाजरी नाला, ठीक है। सो हम ना कश्मीर में आ चुके हैं यार, फाइनली अपने कश्मीर आ चुके हैं यार। आज हम फाइनली अपने घर जा रहे हैं, तो आई एम सो एक्साइटेड गाइस रियली। भाई सच्ची बता रहा हूँ, अपने कश्मीर का रोड जैसा भी है ना, जैसा भी है, अलग मजे है यार। हा मजे गाइस। पहुंच चुके हैं हम अपने सोनमर्ग में, ठीक है। सो जल्दी से मार्केट चलते हैं, कुछ खा लेते हैं, भूख बड़ी लग रही है यार, बहुत खतरनाक भूख लग रही है भाई। धूल चेक कर रहे हो, कसम से कुछ नहीं दिख रहा, थोड़ा सा रोड दिख रहा है बस, बाकी गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं दिखेगा। ये तो ऐसा नहीं था यार, बिल्कुल ऐसा नहीं था कसम से। ये स्टैंड भी नहीं उतर रहा, इतना कीचड़ चढ़ा है। तो इधर पहले कुछ खा लेते हैं। सो चलो गाइस, खाना पीना हो गया इधर पे, ठीक है, लेकिन हालत बहुत ख़राब हो गई यार इसकी। अभी ना पहले बहन के घर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो उधर ही से थोड़ा नज़र वज़र मार के निकलेंगे, क्योंकि फिर क्या पता टाइम आएगा उधर आने का कि नहीं। यहाँ से लेते हैं हम शॉर्टकट एक, ठीक है। लो जी गाइस, लग गए अपने शॉर्टकट पड़ा भारी। ये देखो रास्ता ही बंद है यार, क्या मुसीबत है यार। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कुलन एंड फंस चुके थे इस वाले ट्रैफिक जाम में यार। सो अभी चलते हैं जल्दी बहन के घर, चलो।
सो गाइस बहन और भांजे से मिलके भी आ चुके हैं, ठीक है। मैं ना कुछ सुनाई, मेरे को मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मेरे को नहीं पता, शायद मैं चिल्ला भी रहा हूँ, क्या पता यार, ठीक है, क्योंकि मेरे कान ना बंदी हो गए। तो अभी हैं हम कुल्लन के इस ब्रिज के पास, ठीक है। सो हाँ जी, अभी हम पहुंच चुके हैं कुल्लन के इस छोटे से मार्केट में। बैग पांडा सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है यार, तो जल्दी जल्दी घर पहुंचते हैं। हरियाली चेक मारो गाइस, हरियाली चेक मारो यार, क्या खूबसूरत है अपना कश्मीर यार। मगर आज पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, बहुत ज्यादा मजा मेरे को इधर से आ रहा है राइड करने में, लेकिन आते आते हमें कम से कम 3-4 गाड़ियों ने ठोक दिया था, पता नहीं इनको क्या हो गया। अरे भाई, आज ना इधर के ड्राइवर्स को भी पता नहीं क्या हो गया यार, मास्क हम बड़ी गंदी चला रहे हैं यार। अभी हम पहुंच चुके हैं गुन मार्केट में, तो आज इधर मार्केट लगेगा अच्छा खासा, ठीक है, क्योंकि आज फ्राइडे है। सो हाँ जी गाइस, अभी हम पहुंचने वाले हैं गंजवन, ठीक है, ऑलमोस्ट पहुंच गए। तो मुबशर भाई को आगे ड्रॉप करना है, एंड देन उससे आगे मेरे को अकेले अपना सफर कंटिन्यू करना है घर तक, ठीक है। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ आते ही बच्चे मिल गए। ओ भाई, बैग तो दे दे मेरा ब्रो। ओके, अल्लाह हाफिजा, मिलते हैं फिर। चलो गाइस, छोड़ दिया हमने मुबशर भाई को भी। भाई भाई क्या भाग रही है यार, अब अकेले में क्या ही भाग रही है यार बाइक। सो बस अब हम थोड़ा सा दूर बचे हैं घर से, ठीक है। सो इससे आगे मैं आपको ज्यादा दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर आप नेक्स्ट व्लॉग में क्या देखोगे, ठीक है। सो आज के व्लॉग को ना हम करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको किसी भी लिहाज से आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं एक मस्त से प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।